प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। किसी से मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या ईडी या सीबीआई या एनआईए क्या चाहती तो सर्वोच्च न्यायपालिका से ऑर्डर और जजमेंट नहीं निकाल सकती थी कि हम जाएंगे, हम अरेस्ट करेंगे, हम यहाँ लेकर आएंगे, हमें किसी स्टेट पुलिस की जरूरत नहीं है। तो ये निर्णय के तो प्रावधान है, आपने लिए क्यों नहीं? अब मैं आपको इसका कॉन्क्लूजन बता देती हूँ। इन कॉन्क्लूजन, कल को मान लीजिए मेरा गैंगरेप हो जाता है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, या किसी एक नॉर्मल लड़की का गैंगरेप हो जाता है, वो मैटर थाना में जाता है, थाना से वो मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट से वो मैटर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं एक काम करो सीबीआई को दे दो। आने वाले वक्त में ये हो जाएगा, अंजू जी याद रखिएगा मेरी बात को और कहीं पर लिख करके रखे सारे व्यूअर्स, कि वो लड़की कहेगी कि सीबीआई को मत दीजिए क्योंकि वो अपनी जान तो बचा नहीं पा रहा है, वो मेरी इज्जत का इंसाफ कहां से दिलाएगा। नाजिया जी, ईडी सीबीआई ईडी एनआईए तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियां, तीनों की ये हालत हो गई है बंगाल में, तो फिर आप सोचिए जागना चाहिए केंद्र सरकार को कि ये हो क्या रहा है। और आप सोचिए कि किस तरह से अभिषेक बैनर्जी, जिसने पूरे पूरे पश्चिम बंगाल को उथल पुथल कर दिया है, जिसका डायरेक्ट नाम कोल स्मगलिंग में है, जिसका डायरेक्ट नाम डियर लॉटरी में है, जिसका डायरेक्ट नाम शारदा नारदा चिटफंड जैसे चीजों में है, जिसका डायरेक्ट नाम अनगिनत काउंट नहीं कर सकते ऐसे ऐसे स्कैम में है, कलकत्ता हाईकोर्ट उत्तेजित हो जाती है कि अपने अपनी दलील को रखो, अपनी नथी को रखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखो, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और एनआईए और ईडी और सीबीआई उसको छोड़ देती है। मतलब क्या है? अब आप लोग जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? जो जनता, जिसके घर में लोग मृत्यु हो जा रहे हैं, जिनके घर में लोग मर जा रहे हैं, जो इस आस में है कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, और आप उसके मुंह पे तो चप्पल मार रहे हो भैया। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकता है पर अभिषेक बैनर्जी अरेस्ट नहीं हो सकता है, विथ ऑल प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स एज वेल। आपको अगर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रूफ मिला है तो आपको अभिषेक बैनर्जी के लिए भी प्रूफ मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको अभिषेक बैनर्जी के लिए प्रूफ नहीं मिला है। तो उनका कौन क्यों चूस रहे हो जो आपकी आपका झंडा उठा रहा है और कल को मृत्यु हो जा रही है? और आप ये देखो ना, संदेश खाली को लेकर तो एक दिन पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा कि वहां पर जो कुछ हुआ ममता सरकार जिम्मेदार है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। साफ लफ्जों में कहा गया है कि बंगाल संदेश खाली बैक इन फोकस एज एनआईए टीम प्रोबिंग ब्लास्ट स्टॉप्ड बाय प्रोटेस्टर आर्म्ड विद स्टिक। अब आप मुझे बताइए कि एनआईए कितनी अपाहज है, एनआईए कितनी हेल्पलेस है, एनआईए कितनी मजबूर है। एनआईए एक संदेश खाली में एंटर करने के लिए वहां पर एनआईए अपनी टीम लेकर के जाती है और वहां पर अपने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, और कुछ मुसलमान वहां पर बम और हॉकी स्टिक लेकर के खड़े हो जाते हैं और एनआईए डर जाती है। मतलब इतनी कमजोर है हमारी जांच एजेंसी, हमारे भारत की इतनी कमजोर है? तब तो सारे बलात्कारी आराम से छुट्टे सांड की तरह घूम ही रहे हैं, ठीक ही घूम रहे हैं। और फिर ममता बनर्जी साहिबा कह भी देती है सब साजानो घटना। क्या अमित शाह जी को ये फील नहीं हो रहा है के जांच एजेंसियों को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए? क्या अमित शाह जी को ये फील नहीं हो रहा है कि जो लोग जिन और महिलाओं की आबरू गई है, इज्जत गई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए? एनआईए अगर इस तरीके से जनानों वाला काम करेगी, एनआईए और सीबीआई और ईडी जैसे डर जाएगी, अगर ऐसी ऐसी एजेंसियां डर जाएंगी, तो फिर बंगाल में उन महिलाओं का और उन वर्कर का और उन लोगों का क्या होगा जो पिछले दो दो साल से रोड पर बैठे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं कि कभी तो हमको इंसाफ मिलेगा, उनका क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो एनआईए डरी हुई है, यहाँ तो ईडी डरा हुआ है, यहाँ तो सीबीआई डरी हुई है, और अभिषेक बैनर्जी को रिलीफ भी मिल चुका है कि भाई कोई उसको टच नहीं करेगा लोकसभा इलेक्शन तक। और आपको एक और अच्छी चीज मैं बता देती हूँ कि अभिषेक बैनर्जी को जितवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक डायमंड हार्बर में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है।
अब आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले वोट से आप किसी कैंडिडेट को उतार रहे हो, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि आप लोग अभिषेक बैनर्जी को जितवाना चाहते हो। तो मतलब जिस तरह से आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से बाद जो हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, जिसमें उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया था जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उस वक्त भी लोगों ने बहुत असहाय फील किया था कि उनकी मदद के लिए वो पार्टी भी सामने नहीं आई जिसके लिए उन्होंने वोट किया। और ममता बनर्जी ने इस चीज को बहुत प्रचारित किया था कि अगर मेरे साथ होते तो मैं तो पूरे दमखम के साथ आपके साथ खड़ी रहती। एक तरह से मैसेज भी तो कन्वे हुआ था उस वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैं आपको अंत में ये बता देना चाहती हूँ अंजू जी, कि ममता बनर्जी केस्टो जैसे गैंगस्टर चोर उचक्के को भी सपोर्ट करती हैं और वीर बोलती हैं। और आप देखिए कि तिहाड़ जेल में वो बैठा हुआ है केस्टो, अनुब्रत मंडल और उसके पूरे खानदान के साथ, और फिर भी अभी लोकसभा इलेक्शन में शांति निकेतन बोलपुर से वहां पर दीवार पे लिखा रहा है कि जीत होगी तिहाड़ के सपोर्ट से। ये दीवार पर लिखा रहा है, बताइए, जीत होगी तिहाड़ के सपोर्ट से। ये मतलब हिम्मत तो करेगा, उसको बीरभूम का राजा बोलती है ना, उसे तो बीरभूम का राजा बोलते हैं। और जो कैंडिडेट है वो कैमरा के सामने आकर के बड़े बड़े चैनल को बोल रही है कि केस्टो के लिए हमारे दिल से प्यार नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कई लोगों को नेता बनाया है यहाँ, कई लोगों को घर पे सर पे छत दिया है यहाँ, तो इसलिए हम लोग उससे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर बीजेपी होती, अब मैं अपनी ही बात बता दे रही हूँ कि मुझे जब मलाइन किया गया, मुझे जब डिफेम किया गया, मुझे जब फेक और फैब्रिकेट केस में फंसाने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले दिलीप घोष ने खड़े होकर कहा कि जा कोरे से शिटअप पावे, जो की है वो पाएगी वो, ये सबसे पहले दिलीप घोष ने कहा। तो जिस माँ बाप के लिए इतना, मतलब हम पार्टी को कैसे कैसे मानते हैं, हम तो माँ बाप की तरह मान रहे हैं, तो जिस माँ बाप के लिए हम प्राण देने को तैयार हैं, वो माँ बाप हमारे बुरे वक्त में कहता है कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, डीएनए टेस्ट कराओ, ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है। तो अब आप सोचिए कि उस बच्चे को कैसा फील होगा, उस बच्चे को कितना कितना मतलब हेल्पलेस और कितना गम उदासी फील होगी बच्चों को। और मैं तो फिर से कहूंगी कि अमिताभ चक्रवर्ती जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जर्वर होकर के बैठे हैं, जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एकदम फाइटर दबंग कार्यकर्ताओं को घर पे बैठाया है, जिस तरह से वो वोकल वॉइस को बंद कर रहा है बीजेपी में होकर के, इतने बड़े पद पे बैठ करके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि अमिताभ चक्रवर्ती का बहुत जबरदस्त रिलेशन अभिषेक बैनर्जी से है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत दबंग लीडर है, बहुत वोकल लीडर है, बहुत ज्यादा फाइटर है, उसको अमिताभ चक्रवर्ती इस तरह से बेइज्जत और जलील करता है, इस तरह से जलील करता है कि वो आदमी अपने, वो महिला या वो आदमी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए घर पे बैठ जाएगा। तो अमिताभ चक्रवर्ती है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में, लेकिन काम वो पक्ष में टीएमसी का कर रहा है, और ये खुला है, ये सबको समझ में आ रहा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। बिल्कुल, और यही छोटी छोटी चीजें होती है जो चुनाव के वक्त में बहुत महंगी भी साबित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी नहीं है, वो अमिताभ चक्रवर्ती है, वो किसी को काम ही नहीं करने देता है। अंत में अंजू जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, लोकसभा इलेक्शन मोदी मैजिक पर चलता है, और जनता भारत, इस पूरे भारत की जनता मोदी जी की छवि से, मोदी जी के कार्यों से इतनी ज्यादा आकर्षित है कि वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए दोबारा मोदी जी को चुन करके लेकर आएगी और कमल का बटन ही दबाएगी। पर जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत इग्नोरेंस नेचर जो यहाँ के बड़े नेताओं का, पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं का चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम वक्त है विधानसभा इलेक्शन के लिए, और सारे कार्यकर्ताओं का सपना है कि एक बार कमल का फूल जो है वो हमारे यहाँ विधानसभा में भी खिले, ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ताकि हम यहाँ के सिटीजन्स के लिए, यहाँ के वोटर्स के लिए, और बंगाल को उत्तर प्रदेश की तरह कानून के द्वारा चलाए, उत्तर प्रदेश की तरह खूबसूरत बनाए और फलता फूलता बनाए, और सारे स्कैम को,
कहीं ना कहीं एक डब्बे में बंद करके गंगा में बहा दे। तो मैं यही चाहूंगी कि जो भी छोटी बहुत छोटी बड़ी गलतियां यहाँ के बंगाल के नेताओं से हो रही है उसको अभी वक्त है, अभी ही सुधार लिया जाए ताकि विधानसभा इलेक्शन आते आते हम बहुत स्ट्रॉन्गली हम ममता बनर्जी को फेस कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने, लोकसभा चुनाव तो मोदी मैजिक से ही जीता जा सकता है, और अगर 400 पार जाना है बीजेपी को तो ये छोटी छोटी गलतियां जो राज्यों में अभी अभी हो रही हैं इनको भी देखना पड़ेगा। मोदी मैजिक तो काम करेगा, नाजिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो राज्यों की यूनिट्स हैं उनको भी तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा ना। अगर वहां पर कुछ कार्यकर्ता नाराज है कुछ नेताओं के चलते तो वो नाराजगी भारी भी पड़ सकती है, और इस तरफ मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमारी जो जांच एजेंसियां हैं CBI, ED और NIA, जिस तरह का हाल इनका पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इस मुद्दे को भी बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है केंद्र सरकार को। आपने इस विषय पर समय निकाला चर्चा करने के लिए और बहुत ही बेबाक तरीके से आज आपने अपनी बात रखी है नाजिया जी, जिसके लिए आप जानी जाती हैं, आपको मैं शुभकामनाएं देती हूं, और आपने मेरे लिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी जो खुद बीजेपी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने बात की बीजेपी की इग्नोरेंस की, खासकर बंगाल में, कि बीजेपी कैसे अपने ही वर्कर्स को इग्नोर कर रही है, उनको उस पर तवज्जो देना चाहिए। जहां हमने देखा बंगाल का हाल ये हो गया कि खुद जांच एजेंसी चाहे वो NIA हो या फिर CBI हो, वो खुद लाचार नजर आती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।